नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का म्यूजिक गेंगवे में। जैसा कि इससे पहले पिछले तीन वीडियो में तीन टेस्ट सीरीज 100-100 क्वेश्चंस का मैं भेज चुका हूं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और मैंने कुछ टेस्ट सीरीज बनाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, स्टेट बीपीएससी, DSSSB, EMRS, UPTG, TPGT, जो भी है, संगीत से जुड़े, नेट, GRF या किसी भी कंपटीशन के लिए ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग 100 MCQ देखेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज 4। इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तीन भेज चुका हूं, उससे पहले भी बहुत सारे वीडियो MCQ के पड़े हैं, जिसमें 80 MCQ, 50 MCQ, MCQ सीरीज हैं, थ्री हैं, बहुत सारे हैं। तो अगर किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं या संगीत से जुड़े कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो चैनल के सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए आज भी हम लोग फटाफट 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा रागों से संबंधित, थाटों से संबंधित और घरानों के जीवन परिचय से संबंधित ग्रंथकार, संगीतकार, उनके बारे में रहेंगे, ठीक है। दो तीन टॉपिक से ये क्वेश्चन बने हैं जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ये एक मार्क टेस्ट भी है। आज का जो प्रश्न है बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये कन्फ्यूजन युक्त है, क्योंकि ये जो प्रश्न बने हैं बहुत ही थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना आप लोगों को आ रहा है, और अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई राग है, थाट है, और उसमें ऐसा होता है कि कई किताबों में रागों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, थाटों से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो रागों के चलन के हिसाब से किसी किसी राग में और किसी किसी विद्वान ने उसको दूसरे थाट में भी ले लिया है, तो इस तरह से प्रश्न थोड़े से बन जाते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स में आता है कि सर ये इस राग में का है, ये इस थाट में का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन युक्त होती है, अगर ऐसा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है बिलावल थाट की राग को पहचाने, भटियार, देसी, पहाड़ी, तिलक का मूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बिलावल थाट का पूछ रहा है, तो भटियार भी नहीं है, ठीक है, ये भटियार राग भी नहीं है आपका, बिलावल थाट से देसी भी नहीं है, ये भी काफी है, और तिलक का मूल भी नहीं है, ये खमाज का है, भटियार मरवा है आपका, पहाड़ी जो है ये आपका जो है राग बिलावल में आता है, कौन सा, पहाड़ी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर जाने क्या हो गया, पहाड़ी, देखिए बिलावल थाट, ठीक है। चलिए बिलावल थाट के राग के बारे में इसमें पूछा था, अगले क्वेश्चन में भी पूछा है निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट का है, ठीक है। तो बिलावल थाट के जो राग है उनके बारे में जान लेते हैं, मेघ, तिलक का मोद, यमन कल्याण, संकरा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संकरा, ठीक है, संकरा, ठीक है। 100 क्वेश्चन है और मैं एक एक क्वेश्चन पर विस्तृत बात करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि कम समय है और कम समय में जो सटीक और सही है उसको मैं बता दूं, ठीक है। तो ये आपका दूसरे नंबर का जो आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिलावल थाट का है, तो वो है संकरा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ज्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे इस पर, निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए केदार, पटदीप, छायानट, यमन, तो यहाँ पे ये भी जो है कल्याण का है, ये भी है, ये भी है, पटदीप जो है ये आपका यमन कल्याण का नहीं है, ठीक है ना, ये कल्याण का नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्न में से कौन सा राग काफी थाट का नहीं है, भीमपलासी, भीमपलासी भी है, देश, बहार, मेघ, मल्हार। तो आपका इसमें काफी पूछ रहा है, तो जो देश है वो खमाज से है, ठीक है,
तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, कौन सा थाट मारवा के तहत में नहीं आता है, कौन सा थाट राग मारवा के, श्री मारवा भटियार सोहनी, तो इसमें आपका हो जाएगा सही आंसर, क्या पूछ रहा है, मारवा, तो मारवा में हो जाएगा आपका श्री, ठीक है, ये श्री पूर्वी से है, ये भी मारवा से है, ये भी मारवा से, ये भी मारवा से, ये आपका पूर्वी से है श्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सा राग पूर्वी थाट से नहीं है, पूर्वी से नहीं है, हमीर, श्री, परज, बसंत, ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पूर्वी थाट से नहीं है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सही ऑप्शन होगा भाई, हमीर, श्री, परज, बसंत, इसमें श्री तो पूर्वी से है ही, आपका परज भी है, बसंत भी है, इसमें आपका आ जाएगा हमीर, हमीर, ठीक है, हमीर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा सही, हमीर। ये निम्न में से कौन सा राग तोड़ी थाट के अंतर्गत नहीं आता है, तोड़ी थाट के, मधुवंती, मुल्तानी, गुर्जर तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलास खानी तोड़ी, ये भैरवी थाट से आता है। ये निम्न में से कौन सा राग खमाज में नहीं आता है, खमाज में नहीं आता है, झंझोटी, देश, तिलक, अमोद, वृंदावनी, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वृंदावनी, ठीक है, ये वृंदावनी जो है खमाज थाट का नहीं है। ये आइए नौ नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राग भैरव थाट से नहीं है, कलिंगड़ा, आनंद भैरव, भैरव अड़ाना, तो यहाँ पे जो है अड़ाना राग जो है ये असावरी से है और ये भैरव में नहीं है, उस राग का नाम बताइए जो असावरी थाट से नहीं आता है। अब असावरी थाट की बात आ गई, पहाड़ी, दरबारी, असावरी, देसी, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पहाड़ी, ठीक है, दरबारी भी है, असावरी भी है और देसी भी है, ठीक है। यहां पे देखिए, निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट का नहीं है, बिलावल थाट का, शंकरा, पटदीप, दुर्गा, हंसध्वनि, तो इसमें से ये भी राग है बिलावल का, ये भी है, ये भी बिलावल का, ये पटदीप जो है ये आपका नहीं है, ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे देखिए, बिलास खानी तोड़ी का संप्रकृतिक राग कौन सा है, तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी, भैरवी तोड़ी, यमनी बिलावल, यहाँ पे पूछ रहा है बिलास खानी तोड़ी का संप्रकृतिक राग कौन सा है, तो वो हो जाएगा इसमें भैरवी, ठीक है, भैरवी थाट जन्य है। पूर्वी का संप्रकृतिक राग कौन सा है, पूर्वी का संप्रकृतिक राग, पुरिया, कल्याण, मारवा, परज, मुल्तानी, तो पूर्वी, सॉरी पुरिया पूछ रहा है, तो पुरिया का संप्रकृतिक राग जो है वो हो जाएगा मारवा, ठीक है, मारवा है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, बहार को किस राग का संप्रकृतिक राग माना जाता है, मिया मल्हार, मेघ मल्हार, नायकी कनाड़ा, बसंत, ठीक है, क्या पूछ रहा है, बहार को किस राग का संप्रकृतिक राग माना जाता है, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, तो आपका 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, मिया मल्हार, उसके बाद मेघ मल्हार और नायकी कनाड़ा, बसंत, तो इसमें होना चाहिए आपका मिया मल्हार, ठीक है, ये होगा मिया मल्हार। अगला क्वेश्चन है, कलिंगड़ा का संप्रकृतिक राग कौन सा है, बताइए, भैरवी, भैरव, हेमंत, देश, तो कलिंगड़ा जो है भैरव का संप्रकृतिक राग है, ठीक है। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन, पुरिया धनाश्री का संप्रकृतिक राग कौन सा है, यमन, पुरिया, सोहनी, पूर्वी, तो पुरिया धनाश्री का संप्रकृतिक राग हो जाएगा पूर्वी, क्योंकि ये पूर्वी थाट जन्य है। यहाँ पे आइए 17 नंबर क्वेश्चन, अड़ाना राग का संप्रकृतिक राग कौन सा है, मुल्तानी, श्री, दरबारी, गारा, तो अड़ाना राग का जो संप्रकृतिक राग हो जाएगा वो हो जाएगा दरबारी, ठीक है, ये दोनों असावरी थाट जन्य है। अगला क्वेश्चन है, हिंडोल के संप्रकृतिक राग को पहचाने, सोहनी, परसंत, यमन, जैत श्री, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा
हिंडोल, हिंडोल पूछ रहा है तो हो जाएगा सोहनी, ठीक है, इसका संप्रकृतिक दा सोहनी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए बागेश्वरी का संप्रकृतिक राग निम्न में से कौन है, श्री धनश्री पुरिया मालगुंजी, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, बागेश्वरी का पूछ रहा है तो वो हो जाएगा मालगुंजी, ठीक है। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है रामकली राग का संप्रकृतिक राग कौन सा है, भैरव भैरवी, अहिर भैरव, ललित, अहिर ललित, श्री रंजनी, तो रामकली का पूछ रहा है ना, तो रामकली का भैरव हो जाएगा, रामकली, कलिंगड़ा, भैरव, ये सभी संपर्कित हैं। जय जयवंती का संपर्कित राग कौन सा है, देश मारवा देशकार मुल्ताने, तो जय जयवंती जो है ये देश राग का संपर्कित राग मानी जाती है। आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है गुर्जरी तोड़ी में कौन सा स्वर वर्जित रहता है, ठीक है, गुर्जरी तोड़ी में कौन सा स्वर वर्जित रहता है, सा प ग और नी, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा पा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राग में रेपा वर्जित है, ठीक है, निम्न में से किस राग में रेपा वर्जित है, ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं, मेघ मुल्तानी हंस ध्वनि, ये भिन्न सड़क जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है विम्पलासी राग में कौन से स्वर वर्जित है, विम्पलासी राग में कौन से स्वर वर्जित है, ठीक है, आरोह में रे ध, आरोह में ग, अवरोह में ग ध, कोई नहीं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आरोह में रेधा वर्जित है विम्पलासी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है भोपाली राग में कौन सा स्वर वर्जित है, परे गध मनि पा, जैसा कि आप लोग जानते हैं भोपाली राग में मनि वर्जित है, ठीक है, सारे का पधसा होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर, निम्न में से किस राग के आरोह में ग निवर्जित है, ठीक है, असावरी, यमन, वृंदावनी सारंग, शुद्ध सारंग, ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, असावरी, यमन, वृंदावनी सारंग, शुद्ध सारंग, निम्न में से किस राग में आरोह में गानी वर्जित है, तो ये हो जाएगा असावरी, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन देशकार राग में कौन से स्वर वर्जित है, मा प धनी मारे कोई नहीं, देशकार राग में कौन सा स्वर वर्जित है भाई, थोड़ा देखिए तो इसमें सारे स्वर तो लगते हैं, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन दिया है मारु विहार में आरोह करते समय कौन सा स्वर वर्जित है, ठीक है, मारु विहार में आरोह करते समय कौन सा स्वर वर्जित है, ठीक है, रे ध गानी ध प कोई नहीं, तो इसमें आरोह में आपका रे ध वर्जित है, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। यहां पे देखिए निम्न में से रेधा किस राग के आरोह में नहीं लगते हैं, नारायणी, जयत श्री, आभोगी, जयत, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जयत श्री। अगला क्वेश्चन दिया है राग यमन का वादी स्वर क्या है, सा ग म प, तो राग यमन का वादी स्वर आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका सही ऑप्शन ग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वृंदावनी सारंग के वादी स्वर को पहचाने, सा रे मा धा, तो वृंदावनी सारंग का जो वादी स्वर है वो आपका हो जाएगा रे, ठीक है, क्या होगा रे। इसमें है दुर्गा राग का वादी स्वर क्या है, नी ध मा रे, ठीक है, नी ध मा रे, तो दुर्गा राग जो कि बिलावल थाट का है, सारे मापा धासा होता है, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा मा, ठीक है, मा सही हो जाएगा। यहां पे देखिए भैरव राग का वादी स्वर क्या है, ध कोमल ध रे और प, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका आपका
भैरव में रे और ध कोमल लगते हैं, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ध। ठीक है, यहां पे दिया है बागेश्वरी राग का वादी स्वर क्या है, बागेश्वरी राग का वादी स्वर क्या है। ए दिया है सा, बी दिया है नी, सी दिया है ध और डी दिया है मा। ठीक है, तो बागेश्वरी का क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा मा। अगला क्वेश्चन दिया है अहिर भैरव राग का वादी स्वर कौन सा है, इसमें आपका वादी स्वर कौन सा है अहिर भैरव में, ध कोमल, रे कोमल, म और पा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा म। ठीक है, गौड़ सारंग के वादी स्वर को पहचाने, ग म रे और पा। ठीक है, गौड़ सारंग, तो गौड़ सारंग का ग से ग, गौड़ ग से ग, इसका वादी स्वर ग हो जाएगा। छाया नट का वादी स्वर कौन सा है, ठीक है, छाया नट का वादी स्वर कौन सा है इसको देख लेते हैं। ए दिया है प, बी दिया है रे, सी दिया है ग और डी दिया है आपका सा। ठीक है, तो छाया नट ये आपका है कल्याण थाट का, और इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा रे। ठीक है, यहां पे दिया निम्न में से किस राग का वादी स्वर सड़ज है, मारवा, बसंत, श्री, कलिंगड़ा। क्या दिया है, निम्न में से किस राग का वादी स्वर सड़ज है। ठीक है, वादी, संवादी, थाट, ये सारी चीजें और स्वर लिपि समझना है। सबसे ज्यादा हमारे पास कमेंट और मैसेज इसी का आता है, फोन इसी का आता है कि सर राग को कैसे पहचाने। ठीक है, राग को कैसे पहचाने, इसका दो तीन फॉर्मूला है। ठीक है, मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं उसके बाद बताऊं। इसे किसी भी राग को पहचानने के लिए सबसे पहला मूल बेस होता है आपका थाट। ठीक है, दसों थाटों के बारे में आप लोग जानिए, दस थाटों के नाम जान लेते हैं पहले, उसके बाद दसों थाटों में कौन से स्वर लगते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। अब उन दसों थाटों में कम से कम दस दस, पंद्रह या कम से कम दस दस ही अगर राग जानते हैं तो सौ राग के बारे में जान जाएंगे। प्रत्येक थाट में कौन कौन से राग हैं, पांच छह सात दस इस तरह से प्रमुख राग हैं, कम से कम पांच छह राग तो हर थाट में है ही, तो इस तरह से पचास रागों के बारे में आप लोग जान जाएंगे। थाट से एक टिक बनाकर कि भैरवी में कौन कौन से राग आते हैं उसका एक नाम बना लेंगे, अगर दस राग है तो दस अक्षरों का एक नाम बना लेंगे। ठीक है, उसी तरह से कल्याण में कौन से आते हैं, भैरव में कौन से आते हैं, मारवा में कौन से राग आते हैं उसका एक ट्रिक बना लेंगे। मैं भी देख रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले तैयार करेंगे। ठीक है, नहीं तो अपने से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या रहेगा कि उन रागों का जो पकड़ होता है वही हमेशा पूछता है, उसकी जो चलन होती है, और वो चलन देकर, वो पकड़ देकर और पूछ देगा कि ये किस राग का स्वरलिपि है। जैसे रे पा दे दिया, ठीक है, रे पा, तो वो मल्हार का हो जाएगा। नीरे गरे पारे, ठीक है, इस तरह का दे दिया तो आपका कल्याण का हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि जयजवंती है, नी स ध नी रे, इस तो ऐसे मतलब जो स्वर लिपि है तो उसको दे देगा तो आप उसको आराम से पहचान सकते हैं। गामा ग सा दे दिया, गामा ग सा ध नी सा, सॉरी मालकोंस का है गामा ग सा। ठीक है, सॉरी तो जौनपुरी है, क्या है, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे। ठीक है, तो इसमें आपके कोमल ग मा फिर ग सा इस तरह के स्वरलिपि आते हैं। तो है स्वरलिपिया जिससे राग आप लोग पहचान सकते हैं, तो कम से कम 20 से 30 स्वरलिपियों का जो पहचान है, पकड़ है, उसको लिखकर आप लोग याद करेंगे। मैंने एक वीडियो डाला भी है उस पर, उसको देख लीजिएगा, वो थोड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए।
तो इस तरह से ये सारी चीजें, थाट पहचानना, स्वर पहचानना, वादी संवादी याद करना, ये सारा बहुत क्रिटिकल थोड़ा सा चीज है ये सारा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है 38 में, आपका निम्न में से किस राग का वादी स्वर सरज है, तो इसमें ए है मारवा, बी है बसंत, सी है श्री और डी है कलिंगड़ा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे राग का नाम बताइए जिसका वादी स्वर गंधार है, पटदीप, मारुविहाग, बिलावल, दुर्गा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन दिया है, श्री राग का वादी स्वर क्या है, ध, ग, प और रे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा श्री रे, क्या रे। अगला क्वेश्चन, नायकी कनाड़ा राग का वादी स्वर कौन सा है, ध, प, म, ग, ठीक है। नायकी कनाड़ा राग का वादी स्वर कौन सा है, ध, प, म और ग। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हल्ला चल रहा है, इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम नहीं है, पट, दीप, कमोद, कलिंगड़ा, केदार, ठीक है। निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम नहीं है, तो इसमें आपका, इसमें तो ही पटदीप का भी है, कलिंगड़ा में भी है, ये आपका केदार, ठीक है, केदार का वादी स्वर पंचम नहीं है। यहां पे देखिए, निम्न में से किस राग का वादी स्वर शुद्ध धैवत है, बिलावल, भैरव, पटदीप, मारुविहाग, ठीक है। निम्न में से किस राग का वादी स्वर शुद्ध धैवत है, तो इसमें होना चाहिए आपका इसमें बिलावल, ठीक है, क्योंकि बिलावल राग में वादी स्वर आपका धैवत है। निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, वादी स्वर जो आपका है वो है कामोद, ठीक है, कामोद में पंचम वादी स्वर है। इसमें ये दिया है, तोड़ी राग किस प्रहर का राग माना जाता है, दिन का चौथा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का पहला प्रहर, रात्रि का तीसरा प्रहर, ठीक है, तो वो है दिन का दूसरा प्रहर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बिलास खानी तोड़ी का समय माना गया है, तो ये तो भैरवी है, और भैरवी थाट का जो राग होता है वो कहाँ होता है, रात्रि, प्रातः, मध्यम, सायं, ये प्रातः काल मान लिया जाएगा। हेमंत राग दिन के किस प्रहर में गाया जाता है, ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो हेमंत राग दिन के पहले प्रहर में गाया जाता है। यहाँ पे दिया है मुल्तानी राग का समय, मुल्तानी राग का समय क्या है, ठीक है, प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि, तो सायं में मुल्तानी लगाते हैं, तो ये मुल्तानी जो है सायं प्राकृतिक राग है। यहाँ पे राग मारुविहाग का समय क्या है, देखिए राग मारुविहाग का समय क्या है, दिन का प्रथम प्रहर, रात्रि का तीसरा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रात्रि का प्रथम प्रहर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्न में से कौन सा राग प्रातः का नहीं है, बैरागी भैरव, बिलास खानी, नट भैरव, बागेश्वरी, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बागेश्वरी। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए अभोगी राग का समय क्या माना गया है, दोपहर, मध्य रात्रि, प्रातः, संधिकाल, ठीक है, अभोगी, अभोगी राग का समय माना गया है दोपहर, मध्य रात्रि, प्रातः और संधि, तो अभोगी जो होगा ये मध्य रात्रि का राग होता है, ठीक है, ये
राग नियमलहार का समय क्या माना गया है? दोपहर, मध्य रात्रि, दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। राग नियमलहार पूछ रहा है, ठीक है। तो ए है दोपहर, बी है मध्य रात्रि, सी है दिन का दूसरा प्रहर और डी है रात्रि का प्रथम प्रहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मध्य रात्रि। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? झिंझोटी राग का समय क्या है? दिन का चौथा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर और रात्रि का चौथा प्रहर, रात्रि का क्या दिया है? रात्रि का दूसरा प्रहर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रात्रि का दूसरा प्रहर, ठीक है। को थोड़ा मिला लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा राग रात्रिकालीन नहीं है? नायकी, तिलक कमोद, खमाज और देसी, ठीक है। तो क्या दिया है? रात्रिकालीन नहीं है, तो वो है देसी, ठीक है, राग देसी। 54 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा सही। यहां पे आपका आ गया, निम्न में से कौन सा राग रात्रिकालीन है? शुद्ध सारंग, गुर्जरी तोड़ी, अड़ाना, हेमंत। तो इसमें आपका रात्रिकालीन जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा अड़ाना, ठीक है। संधि प्रकाश राग को पहचाने, ठीक है। देसी, पुरिया कल्याण, पुरिया सोहनी, तो वो है पुरिया, ठीक है। पुरिया संधि प्रकाश राग है, सायंकालीन संधि प्रकाश। यहाँ पे राग मालकुंस का गायन समय क्या है? दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का दूसरा प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर, रात्रि का तीसरा प्रहर। तो ये हो जाएगा रात्रि का तीसरा प्रहर, ठीक है ना। मालकुंस जो राग है भैरवी थाट जन्य है। यहाँ पे संधि प्रकाश राग को पहचाने, प्रातःकालीन, विभास, पट विभांग, ललिता गौरी, ललिता पंचम। तो इसमें संधि प्रकाश राग को पहचाने, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में विभास आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुहा राग का गायन समय क्या है? ठीक है, रात्रि, मध्यान्ह, प्रातः, सायं। तो सुहा राग जो है वो मध्यान्ह में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा राग संपूर्ण जाति का माना जाता है? ठीक है, यमन, रागेश्री, केदार, मेघमल्हार। तो इसमें यमन हो जाएगा, ठीक है। ये संपूर्ण जात का राग है। निम्न में से किस राग की जात औरो है? दुर्गा, हमीर, कल्याण, भैरवी। तो औरो जात का राग जो है वो हो जाएगा दुर्गा, ठीक है। इसमें ग और नी वर्जित है, सारे मापद हसा इसका होता है। औरो जात के राग को पहचाने, पूरिया, धनाश्री, केदार, मेघ और श्री, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेघ, ठीक है। मेघ जो है वो औरो जात का राग है। औरो संपूर्ण जात के राग को पहचाने, राग यमन कल्याण, रागेश्वरी, भैरव और यहाँ पे दिया है श्री, ठीक है। तो औरो संपूर्ण जात में आ जाएगा श्री। यहां दिया है थोड़ा सा ये और क्रिटिकल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, हमीर राग की जात क्या मानी जाती है? साड़ो, औरो, संपूर्ण, संपूर्ण, साड़ो, साड़ो, औरो, संपूर्ण। तो हमीर राग की जो जात है वो है संपूर्ण संपूर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, केदार राग किस जात का माना जाता है? संपूर्ण साड़ो, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण साड़ो संपूर्ण और क्या दिया है, औरो संपूर्ण। तो ये हो जाएगा औरो संपूर्ण। यहां दिया है, भैरव राग की जात क्या है? संपूर्ण औरो साड़ो, संपूर्ण साड़ो, संपूर्ण संपूर्ण, साड़ो साड़ो। तो भैरव में सभी स्वर लगते हैं, ये हो जाएगा संपूर्ण संपूर्ण। यहां देखिए स्वर लिपि दे दिया, ठीक है। क्या दिया है, स्वर लिपि। तो इसमें हो जाएगा क्या,
नीरे गामा पा, ठीक है, मारे गा रे नी रे सा, ठीक है, ये स्वर समूह किस राग का है, यहाँ पे तीव्रमा दिया है, ठीक है, और नीरे गामा पा स्वर समूह किसरा का है, खमाज यमन कल्याण यमन छाया नट, तो ये जो है ये है यमन का, ठीक है, किसका है, यमन का। ये अगला क्वेश्चन दिया है पामा गामा गरे नीरे सा, यह स्वर समूह किसरा का है, ठीक है, पामा गामा गरे नीरे सा किस राग का है, तो इसमें भी तीव्रमा का दिया है चलन, मारु विहाग यमन कल्याण श्री ललित, तो ये हो जाएगा आपका यमन कल्याण, ठीक है, यमन कल्याण में बंदिश कौन सा है यमन कल्याण का, एक तो है नीरे गरे पारे गर नीरे सा पामन गरे सा एरियाले यावेन सखिये एरियाले, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मा ग रे ग यानी कोमल, गा रे गा और रे सा धनी सा, यहाँ पे देखिए रे गा धनी सा सभी कोमल हो गए हैं, तो देखते हैं पूरी धनाश्री असावरी भैरव भैरवी, तो सारे कोमल स्वर किसमें लगते हैं, भैरवी में, तो ये भैरवी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर आ गया, अब थोड़ा सा रचनाकार से संबंधित आ गया, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, नारद मीरा जयदेव सूरदास, तो गीत गोविंद के रचनाकार थे जयदेव, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन दो चार हैं जो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे दिया है दतिल ने किस ग्रंथ की रचना की, दतिल दतिलम संगीत मकरंद और यहाँ पे नल नल तत्व, तो इनका है दतिलम जो है दतिल ने लिखा था, ठीक है। ये आ गया बृहदेशी की रचना किसने की, लोचन अहोबल पंडित दामोदर मतंग, तो ये हो जाएगा मतंग, ठीक है, मतंग कृत बृहदेशी। यहाँ पे दिया है संगीत मकरंद नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है, नारद मकरंद जी दामोदर जी और यहाँ पे मतंग जी दिया हुआ है, तो संगीत मकरंद जो है नारद कृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भरत भाष्य के लेखक कौन है, फकीरुल्ला भी सी भोपाल नान्यदेव और भरत, ठीक है, क्या दिया है, नान्यदेव और भरत, तो इसमें आपका हो जाएगा नान्यदेव, ठीक है, भरत भाष्य नान्यदेव का है। यहां देखिए संगीत समय सार किसने लिखा, ठीक है, पार्श्वदेव लोचन श्रीनिवास और भातखंडे, तो संगीत समय सार पार्श्वदेव द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है रामा माति ने किस ग्रंथ की रचना की, अभिनव भारती संगीतांजलि स्वरमेल कलानिध राम संग्रह, तो इसमें सही ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा स्वरमेल कलानिध, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहोबल ने किस ग्रंथ की रचना की, संगीत संगीत परिजात संगीत राज संगीत तथा स्वर, तो संगीत परिजात जो है अहोबल की रचना है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नहीं भाई 76-77 अहोबल ने, हाँ ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे दिया है अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है, ठीक है, तो भावट सारंगदेव लोचन सोमनाथ, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा भावट, ठीक है, भावट ने अमृत संगीत की रचना की, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भावट ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा, सद्राग चंद्रोदय भरतभास
अनुपांकुश रागमाला, तो इन्होंने अनुपांकुश लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखेंगे। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, श्रीकंठ ओंकारनाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्देश बृहस्पत और सारंगदेव, तो ये जान लेंगे। हाँ ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, संगीत परिजात, ठीक है, दो तीन ग्रंथ ऐसे हैं जिसका आप लोगों को थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन अंदर से भी पूछ देता है। ठीक है, अष्टाध्यायी किससे कहते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, नाट्यशास्त्र के बारे में, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय है, किस अध्याय में राग वादी संवादी काकू के भेद इस तरह के बताए गए हैं, सप्ताध्यायी किसे कहते हैं, सप्ताध्यायी में तीसरा अध्याय क्या है, या फिर आपके संगीत रत्नाकर के अंतिम अध्याय का क्या नाम है, प्रकीर्णा अध्याय में क्या है, ताला अध्याय में क्या है, नृत्यना अध्याय में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा उसका आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हो गए, सारंगदेव। यहाँ पे दे दिया है विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था, 10 अगस्त 1860, 12 मई 1870, 15 अगस्त 1875, 18 अगस्त 1872। तो इनका जो जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 में हुआ था। यहाँ पे दिया है विष्णु नारायण भातखंडे ने पहली संगीत सम्मेलन कब कराया, 1936, 1930, 1850, 1925। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, विष्णु नारायण भातखंडे ने पहला संगीत सम्मेलन कब कराया था। अब इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको विस्तृत में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जो पहला संगीत सम्मेलन कराया था वो कराया था 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ मेरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना किसने की, मेरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना किसने की। देखिए विष्णु दिगंबर ने, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने, ओंकारनाथ ठाकुर ने, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना कराई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है, भातखंडे जी, ओंकारनाथ ठाकुर, विष्णु दिगंबर, फयाज खां। ये तो एक दो बार क्वेश्चन आया है, और क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक जो है वो होंगे भातखंडे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भातखंडे जी की मृत्यु कब हुई, 19 सितंबर 1936, 3 मार्च 1939, 12 अगस्त 1930, 5 अप्रैल 1936। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, 19 सितंबर 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म कब हुआ, 1872 1875 1860 1830। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1872 में। ठीक है, कब हुआ, 1872। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विष्णु दिगंबर के गुरु का नाम क्या है, अलाउद्दीन खां, ओंकारनाथ ठाकुर, बालकृष्ण बुआई, चलो करंजरकर, कोई नहीं, तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बालकृष्ण बुआ इचलकर इंजकर इनके गुरु रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इन्होंने लाहौर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब किया, 10 मई 1901, 3 मार्च 1905, 5 मई 1901, 7 मार्च 1907। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 मई 1901। यहाँ पे दिया है संगीत बाल प्रकाश किसकी रचना है, भातखंडे की, ओंकारनाथ ठाकुर की, विष्णु दिगंबर की, फयाज खां की। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आपका होगा वो सही हो जाएगा, संगीत बाल प्रकाश जो है ये विष्णु दिगंबर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 90 नंबर, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे, फयाज खां, अलाउद्दीन खां, भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर जी, तो ये विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर की मृत्यु कब हुई, 21 अगस्त 1931, 12 मार्च 1940, 20 अगस्त 1930, 13 मार्च 1938। तो इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 21 अगस्त 1931 में।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? 25 जून 1898, 3 मार्च 1872, 24 जून 1897, 5 मई 1880। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 24 जून 1897 को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं किस सन में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर लाहौर गंधर्व महाविद्यालय के प्रिंसिपल बने, ठीक है, 1916, 1940, 1920, 1921। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, इन्होंने 1916 में लाहौर गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बने हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का पत्नी का नाम क्या था? सितारा देवी, इंदिरा देवी, गंगूबाई, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा इंदिरा देवी, ठीक है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की पत्नी का नाम इंदिरा देवी था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संगीतांजलि प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1938, 1920, 1925, 1931, ठीक है। तो संगीतांजलि प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ 1938 में हुआ है। यहाँ देखिए प्रणव भारती पुस्तक के लेखक हैं ओंकार नाथ ठाकुर, भातखंडे जी, मियाँ अजमल, कोई नहीं। तो प्रणव रंग, प्रणव नाम जो है ओंकार नाथ ठाकुर के लिए आता है, तो ये ओंकार नाथ ठाकुर का हो जाएगा। 97वां नंबर क्वेश्चन दिया है, पंडित ओंकार ठाकुर ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्री कला संगीत भारती की स्थापना कब की? 1950, 1955, 1850, 1954, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1950। ओंकार नाथ ठाकुर किस घराने संबंधित है? पटियाला, ग्वालियर, आगरा, जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर से संबंधित है। 99वां नंबर क्वेश्चन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो किसने गाया? ओंकार नाथ ठाकुर, लता जी, विष्णु दिगंबर, भातखंडे। इनमें से प्रमुख जो रहे हैं वो है ओंकार नाथ ठाकुर, ठीक है, इन्होंने गाया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गाया है। ओंकार नाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई जी? 25 दिसंबर 1935, 20 अप्रैल 1960, 18 दिसंबर 1967 और 30 मई 1965। तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो 28 दिसंबर 1967 में हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम, म्यूजिक गैंग में टेलीग्राम है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वहाँ ज्वाइन करने और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। कई सारे लोग समझते हैं कि वहाँ जाओ ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या होगा, अबाउट में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग पहले टेलीग्राम लोड करेंगे, उसके बाद से वहाँ से जुड़ जाएंगे, या म्यूजिक गैंग में इसी चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब या ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उसके साथ ही ये सारा पीडीएफ वहीं पे मिलता है, ठीक है। तो पर्सनली आप लोग मैसेज करते हैं सर पीडीएफ भेज दीजिए, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ, जितना भी थ्योरी होता है, जितना भी एमसीक्यू होता है, आपको मुफ्त में टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। तो पढ़िए, पीडीएफ लीजिए, किताब है आपके पास, किताब से पढ़िए, नोट से पढ़िए, जहाँ से भी हो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, और खुद पे भरोसा रखिए और अपने काम पे विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों ने 100 क्वेश्चन जाने, इससे पहले भी 3 सीरीज 100-100 क्वेश्चन का चला गया है, टेस्ट सीरीज 4 था, इसके बाद टेस्ट सीरीज 5 होगा, उसके बाद जैसे ही परीक्षा आ रहा है, अभी तो मुझे परीक्षा में ड्यूटी लग गई है मेरी, ठीक है, तो अब लग रहा है कि 10 दिन परीक्षा है, तो अभी इधर 10-12 दिन बिजी ही रहेंगे, और उसी में आप लोगों की भी परीक्षा है, तो थोड़ा टाइम कम है, जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे लगेगा कि लाइव का समय मुझे मिला तो मैं लाइव भी लूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। रही बात बिहार संगीत से, जो स्टेट में कुछ यूनिट बदले हैं, उसका 2 वीडियो मैंने डाल दिया है, और 2-3 वीडियो आएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ बिहार संगीत से संबंधित, कुछ एमसीक्यू भी आप लोगों को मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, मार्क टेस्ट था कितना सही किया ये भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।